नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज की सबसे बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में बड़े युद्ध की तैयारी। ईरान में इजराइल की कार्रवाई का खौफ दिख रहा है, तो पूरी दुनिया ईरान के संभावित पलटवार से खौफ में है। पूरा मिडिल ईस्ट जंग का मैदान बनता जा रहा है। अमेरिका ने इजराइल को चेतावनी भी दी है। इसी बड़ी खबर पर हम करेंगे बात, लेकिन आगे बढ़ने से पहले देखते हैं हेडलाइंस। बिलावल भुट्टो ने दिए इमरान खान की रिहाई के संकेत, मौत की सजा मिली तो राष्ट्रपति दे सकते हैं माफी। बांग्लादेश ने भारत से वापस बुलाया राजदूत, दोनों देशों में बढ़ता जा रहा है टकराव। चलते चलते बात अमेरिका की हिंदुस्तान पर आई रिपोर्ट की, अब विस्तार से बात आज की बड़ी खबर की। ईरान के इसराइल पर मिसाइल अटैक के बाद से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता जा रहा है। इसराइल की तरफ से चेतावनी दी गई है कि वो बदला जरूर लेगा, तो ईरान ने भी साफ कर दिया है कि अगर इसराइल ने हमला किया तो वो 4 गुना ज्यादा ताकत से हमला करेगा। ईरान को अपनी मिसाइल क्षमताओं के चलते जाना जाता है और इसका एक नमूना उसने इसराइल को दिखा भी दिया है। इस बीच ईरान ने एक लिस्ट जारी की है और कहा है कि अगर उसे उकसाया गया तो वो इस लिस्ट में शामिल लोगों को निशाना बनाएगा। ईरान के हिट लिस्ट में 11 लोगों के नाम हैं। इसमें प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, रक्षा मंत्री योआव गैलेंट, जनरल स्टाफ के प्रमुख हरजी हलेवी, इजरायली वायुसेना के कमांडर टोमर बाल, इजरायली नौसेना के कमांडर सार सलामा, ग्राउंड फोर्स के प्रमुख तामिर यादई, जनरल स्टाफ के उप प्रमुख अमीर बारम, सैन्य खुफिया प्रमुख अहरोन हलीवा, उत्तरी कमान के प्रमुख ओरी गार्डिन, मध्य कमान के प्रमुख येहुदा फॉक्स और दक्षिणी कमान के प्रमुख एलियेजर टोलेडानो का नाम शामिल है। इस बीच अमेरिका ने भी इसराइल को चेतावनी दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि हम ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले के जवाब में उसके परमाणु स्थलों पर किसी भी इसराइली हमले का समर्थन नहीं करेंगे। अमेरिका ने कहा कि इसराइल अगर ईरान पर कार्रवाई करना चाहता है तो कर सकता है, लेकिन परमाणु स्थलों पर हम कार्रवाई का विरोध करेंगे। दरअसल इस तरह की खबरें चल रही हैं कि ईरान के हमले के खिलाफ इसराइल ईरान के तेल के कुआं और परमाणु साइट को निशाना बना सकता है, और अगर ऐसा होता है तो फिर ईरान और इसराइल की लड़ाई बड़े पैमाने पर शुरू हो जाएगी, जिससे अमेरिका और पूरी दुनिया डरी हुई दिखाई दे रही है। इसराइल की परेशानी ये है कि उसने एक साथ कई मोर्चे खोल दिए हैं। गाजा में हमले के साथ शुरू हुई इसराइल की कार्रवाई में लेबनान, यमन, सीरिया और अब ईरान भी शामिल हो चुका है। यानी इसराइल इस समय 6 मोर्चों पर एक साथ लड़ाई में उलझ चुका है। इस बीच इसराइल की तरफ से लेबनान और सीरिया में एयर स्ट्राइक की भी खबरें आ रही है। बेरूत में इसराइल के हमले में 6 लोगों की जान चली गई, जबकि लेबनान में इसराइल की जमीनी कार्रवाई भी चल रही है। हिजबुल्ला की तरफ से दावा किया गया कि उसने लेबनान में इसराइल के 8 सैनिकों को मार गिराया, जिसमें एक कैप्टन भी शामिल है। हिजबुल्ला ने कहा कि उसके लड़ाकों ने लेबनानी शहर मारून अल रास में इसराइली सेना से मुठभेड़ की है। ये खाली कराए गए इसराइली शहर अविविम से करीब 1 मील की दूरी पर स्थित है। मिलिशिया ने दावा किया कि उसने अविविम को रॉकेट से निशाना बनाया था। इसराइली सेना ने इस बारे में कोई डिटेल तो नहीं दिया कि उसके सैनिक कैसे मारे गए, लेकिन ये बात कही है कि हिजबुल्ला के साथ नजदीकी लड़ाई हुई। दक्षिण लेबनान पर इसराइल के जमीनी आक्रमण के दूसरे दिन झड़पें हुई। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियां कतर के दौरे पर हैं। माना जा रहा है कि मौजूदा स्थिति पर ईरान कतर का साथ चाहता है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि ईरान और इसराइल के बीच बड़ी जंग तय है। ऐसे में ईरान अपनी तैयारियों में जुट गया है। दरअसल मिडिल ईस्ट में जंग की शुरुआत से ही कतर शांति की बात करता आया है, हमेशा से संघर्ष को रोकने की कोशिश में रहा है। कतर के ईरान से अच्छे संबंध भी हैं, तो इजराइल के साथ उसके शुरुआत से ही अच्छे रिश्ते नहीं रहे हैं, यहां तक कि राजनयिक संबंध भी नहीं है। वैसे तो ईरान और कतर की आबादी में काफी अंतर है। जहां कतर एक सुन्नी मुस्लिम वाला देश है, वहीं ईरान एक शिया बहुल कंट्री है। इसके बावजूद दोनों के रिश्ते काफी अच्छे हैं। एक तरफ कतर और ईरान के बीच अच्छे संबंध हैं, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के हजारों सैनिक कतर के सबसे बड़े सैन्य बेस अल उदेद एयरबेस पर तैनात हैं। यानी ईरान चाहता है कि कतर अमेरिका पर दबाव डाले कि वो मिडिल ईस्ट में शांति के लिए इसराइल पर दबाव डाले। फिलहाल सभी की निगाहें अमेरिका के साथ ही इसराइल की अगली कार्रवाई पर भी टिकी हुई है। अगर इसराइल ने ईरान पर पलटवार किया तो फिर यह तय है कि युद्ध पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में ले लेगा, जिसका असर पूरी दुनिया पर होगा। युद्ध के बढ़ते दायरे के बीच अब दुनिया भर के देशों की तरफ से ईरान, लेबनान और इसराइल से अपने नागरिकों को निकलने की एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है।
रूस ने अपने नागरिकों को हिदायत दी है कि स्थिति सामान्य होने तक ईरान की यात्रा से बचें। इससे पहले लेबनान और इसराइल को लेकर इसी तरह की चेतावनी जारी की गई थी। अब बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान में सत्ता जाने के बाद से ही पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान मुश्किल में है। उनके खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए हैं जिसके चलते वो जेल में है। पाकिस्तान की सैन्य अदालत से लेकर अलग अलग अदालतों में इमरान खान के खिलाफ मामले चल रहे हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि पाकिस्तानी सैन्य अदालत इमरान खान को दोषी ठहराते हुए मौत की सजा भी सुना सकती है। और इसी को लेकर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़ा बयान दिया है। बिलावल ने कहा कि इमरान खान को सैन्य अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने पर राष्ट्रपति से उनको माफी मिल सकती है। हमारे राष्ट्रपति के पास माफी देने की शक्ति है। वैसे ये बात भी बता दें कि बिलावल भुट्टो के ही पिता आसिफ अली जरदारी इस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं, जिनके पास दोषी कैदियों को माफ करने की शक्ति है। हालांकि इमरान खान पर सैन्य मुकदमा चलाए जाने और बाद में राष्ट्रपति की तरफ से सजा माफी की बातों के अभी तक कोई संकेत नहीं मिले हैं। दरअसल इमरान खान के खिलाफ 9 मई 2023 को हुए बवाल को लेकर सैन्य अदालत में मुकदमा चल रहा है। इमरान समर्थकों ने इस दिन सैन्य अधिकारियों के घरों को निशाना बनाया था। दावा किया गया कि इन सब के बीच इमरान की सबसे बड़ी भूमिका थी। उन्होंने अपने समर्थकों को इसके लिए उकसाया था, जिसके चलते इमरान खान पर सैन्य अदालत में मुकदमा चल रहा है। अब बात बांग्लादेश और हिंदुस्तान के बिगड़ते संबंधों की। बांग्लादेश में शेख हसीना की सत्ता जाने का असर हिंदुस्तान और बांग्लादेश के बीच दिखाई दे रहा है। शेख हसीना को शरण दिए जाने के चलते बांग्लादेश की अंतरिम सरकार हिंदुस्तान से नाराज है और अब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने हिंदुस्तान से अपने राजदूत को वापस बुला लिया है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के प्रशासनिक विभाग ने इसे लेकर आदेश जारी किए हैं। बताया गया है कि हिंदुस्तान में बांग्लादेश के उच्चायुक्त मुस्तफिजुर रहमान के अलावा वापस बुलाए गए अन्य लोगों में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के स्थायी प्रतिनिधि और ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम और पुर्तगाल में राजदूत शामिल है। रहमान सहित वापस बुलाए गए कुछ राजनयिक आने वाले महीनों में रिटायर होने वाले थे, लेकिन समय से पहले ही उन्हें वापस बुलाने के बांग्लादेश के आदेश से साफ हो गया है कि हिंदुस्तान और बांग्लादेश के संबंध अब तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। हिंदुस्तान में बांग्लादेश के राजदूत मुस्तफिजुर रहमान की बात करें तो वो एक अनुभवी राजनयिक है जिन्हें जुलाई 2022 में हिंदुस्तान में उच्चायुक्त नियुक्त किया गया था। हिंदुस्तान में नियुक्ति से पहले जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र में बांग्लादेश के स्थायी प्रतिनिधि और स्विट्जरलैंड और सिंगापुर में दूत के रूप में कार्य किया था। उन्होंने विकास सहयोग को आगे बढ़ाने और दोनों पक्षों के बीच बेहतर संबंध बनाने में भूमिका निभाई थी। चलते चलते बात अमेरिका की धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट पे हिंदुस्तान पर उठे सवालों की। हिंदुस्तान में धार्मिक स्वतंत्रता की कथित गिरावट को लेकर अमेरिकी सरकार के आयोग ने रिपोर्ट जारी की है। यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम USCIRF ने अपनी सालाना रिपोर्ट में अमेरिकी विदेश विभाग से आग्रह किया है कि वो भारत में धार्मिक स्तर पर हो रहे उल्लंघनों को ध्यान में रखते हुए उसे विशेष चिंता वाले देश के रूप में शामिल करे। रिपोर्ट में मुस्लिम वक्फ संशोधन बिल, गो हत्या विरोधी कानून की बात की गई है। इन सब के चलते आयोग ने देश को धार्मिक भेदभाव वाले देशों के लिस्ट में शामिल करने का आग्रह किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने USCIRF के लोगों को देश का वीजा देने से इनकार किया है। इसके अलावा वहां धार्मिक नेताओं को मनमाने तरीके से गिरफ्तार कर लिया जाता है। धर्म के आधार पर घरों और धार्मिक पूजा स्थलों को निशाना बनाया जाता है। ऐसी घटनाएं साफ तौर पर धार्मिक स्वतंत्रता का गंभीर उल्लंघन करती हैं। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब USCIRF ने हिंदुस्तान के खिलाफ धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर कठोर टिप्पणी की है। इससे पहले भी उन्होंने ऐसा किया था, लेकिन हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच अच्छे संबंध होने की वजह से जो बाइडेन प्रशासन USCIRF द्वारा किए गए आग्रह को मानने से बचता रहा है। वैसे अगर हाल ही में हिंदुस्तान को लेकर जारी कुछ रिपोर्ट की बात करें तो आयोग ने भारत के खिलाफ नागरिकता संशोधन अधिनियम, यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे कानून के जरिए धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। तो आज इस वर्ल्ड न्यूज में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।